कानपुर डैम से कुछ किलोमीटर के बाद अभी हम जा रहे हैं, मेन रोड से मुड़ के एक किलोमीटर अंदर आए और ये जगह है, यहाँ पे कोई मोहड़ा मुराद स्टूपा है। आइए चल के देखते हैं और उसकी क्या तारीख है वो भी देखते हैं, वहाँ पे कुछ लिखा तो होगा कुछ ना कुछ, वो फिर मैं आपको दिखा के बताता हूँ। और ये सीनरी बड़ी खूबसूरत है। बुद्ध मत की ये खानका अपने करीबी गांव मोहड़ा मुरादों के नाम से मंसूब है। जनाब गुलाम कादिर ने 1915-16 में सर जॉन मार्शल की जेर निगरानी इस खानका की खुदाई की। मजहबी इबादत के लिए मगरबी जानिब एक स्टूपा और मशरिकी जानिब असातज़ा और तालबा के रहने की खानका है। और देख सकते हैं ये जो है किसी दौर में यहाँ पे ये रहाइश गाहें थी और अब जो है ये खंडर का जो है मंज़र वो पेश कर रही हैं। और बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत पुरसकून जगह है। मोहड़ा मुरादों के आसार शहरी शोरगुल से दूर हथियाल पहाड़ी की दो तहों के दरमियान पुर अमन ज्ञान ध्यान के लिए बनाई गई, लेकिन फिर भी शहर सरसुख से इतने करीब के हर शाम खैरात मांग कर इकट्ठी की जा सके। इस खानका का दूसरी सदी से ताल्लुक है, मगर चौथी और पांचवी सदी में इसकी बड़ी पैमाने पर मरम्मत और ज़ेबाइश की गई। स्टूपा 12 फीट ऊंची बुनियाद पर स्थादा है, जिसकी मशरिकी जानिब सीढ़ियां हैं। बुनियाद में कंजूर के पत्थर की मोल्डिंग है, जबकि इसी पत्थर के अमूदी पुतले सुतून बुनियाद को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध, बुद्धिस्टों और दूसरे देवताओं के चूने से बनाए हुए खूबसूरत बुतों से सजाया गया था। उनमें से कुछ बुत टेक्सला के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। जीने के जनूब में मुरब्बा बुनियाद का एक मन्नती स्टूपा है, जिसे चूने के बुतों से सजाया हुआ है। यहाँ गंधारा तर्ज की खानका 67 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान खुला मुरब्बा शक्ल का सहन है। यहाँ की नायाब दरियाफ खानका के कमरा नंबर 9 में 20 फीट ऊंचा गोल मन्नती स्टूपा है, जो एक मोहतरम और वाजिबुल ताजीम उस्ताद की याद में तामीर किया गया, जो गालिबन वफात से पहले ही इस कमरे में कयाम करते थे। असेंबली हॉल, बावर्ची खाना, खाने का कमरा और गौसल खाना खानका के मशरिकी जानिब वाक़े हैं। खानका के अंदर भी एक कुआं उसके अलावा था, जो मशरिकी जानिब बाहर वाक़े है। 5वीं सदी के आखिर में सफेद हन के तेज और तन हमलों की वजह से पैदा होने वाली मुआशी बदहाली और बदमनी के पेश नज़र बुद्ध मत के पैरोकार मोहड़ा मुरादू को भी टेक्सला की दूसरी खानकाहों की तरह छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये कुछ और आसार हैं सिरसुख के नाम से, और ये भी कहते हैं कि ये भी बुद्धिस्ट टाइम के ही जो है आसार हैं, 2000 साल कबल के ही हैं जब मिले थे तो। और अभी भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है ना निशानियाँ नहीं बची हैं, बस लग रहा है कि कुछ यहाँ पे हुआ करता था किसी दौर में। और इसकी जो हिस्ट्री जहाँ लिखी थी जिस बोर्ड पर, वो बोर्ड से जो है वो हिस्ट्री सारी मिट चुकी है। तो इलाका बहुत अच्छा है, आप इधर आ सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए। शहर की जो गहमा गहमी है उससे ज़रा बचने के लिए आप इधर आ सकते हैं, और अदरवाइज़ ऐसे देखने में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो लोग हिस्ट्री से जिनका लगाव है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए तो शायद बहुत कुछ इधर हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन ये कि आप आ सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं हिस्टोरिकली। और जो जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, उनके लिए तो ये जगह बहुत ही मोतबर है, मतलब मुकद्दस, मैं कहूँगा उनके लिए मुकद्दस होगी, क्योंकि बुद्धा जो थे वो यहाँ पे इबादत, उन्होंने इबादत की है यहाँ पे, और उनकी वो इबादत गाहें भी हैं, और भक्षुओं की जो है वो यहाँ पे रहाइश गाहें भी हैं। और ये जगहें ज़्यादा दूर नहीं हैं एक दूसरे से, बहुत करीब करीब हैं।
मतलब एक एक दो दो किलोमीटर, तीन तीन चार पाँच पे मैक्सिमम 5 किलोमीटर का फासला होगा। ये सारी जगहें एक ही इलाके के अंदर हैं जो अब तक जो फाउंड किए हैं इन्होंने। तो बाकी ये कि आप इंजॉय कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, तरह के मतलब मज़ा क्या रिलैक्स कर सकते हैं खुद को। और गर्मी का भाई ये आलम है। सुबह तक तो मैंने आपको बताया था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम चेंज हो गया है, सितंबर आ गया है, लेकिन भाई वो सिर्फ सुबह की हद तक था। और दोपहर में अभी दोपहर हो गई है, दोपहर नहीं हुई है, 10-11 बजे का टाइम है। और इस गर्मी ने, इस धूप ने जो है जान निकाल दी है। और आपको मेरा फ्रेश इन पूरी सीरीज़ में जो टेक्सला की सीरीज़ है इसमें फ़्रेश नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत थका थका सा हूँ और मुझे पसीना, हर वीडियो में पसीना आपको नज़र आएगा। चले कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन यह है कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो तो हमें मिल गई ना। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है इस तरह। अब गर्मियाँ जा ही रही हैं, तो जैसी गर्मियाँ जाएंगी उसके बाद अच्छा मौसम आएगा। कहते हैं ना कि ये पहिया जो है ना, जब घूमता है तो जो ऊपर का साइड है वो नीचे जाता है, नीचे का ऊपर आता है। तो इसी तरह ये वक्त भी घूम रहा है, और इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त हमारा मुंतज़र है। तो वो वक्त आएगा जब बहुत अच्छा मौसम होगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे हुलिये में बनाऊँगा। तो ये था एक छोटा सा एक सूबा जो कि अब ख़त्म हो चुका है, जिसके आसार कम है। तो ये था आज का मेरा पूरा सफ़र, इख्तिताम हुआ इस सफ़र का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मेरा सफ़र है ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें, और क्योंकि उससे ज़रा हौसला अफज़ाई हो जाती है इंसान की, पता चलता है कि हाँ यार आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को, जब कोई मुझे पॉइंट आउट करता है ना चीज़ों को, कोई ये कहता है कि आपने उस जगह पे ये बात करी थी, आपने उस जगह पे ये बात सही नहीं की थी, या आपने उस जगह पे बहुत अच्छी बात की थी, या बहुत अच्छा हमें वो सीन दिखाया था, तो बस वहाँ पे बड़ी खुशी होती है कि मुझे लगता है कि यार लोग इतना कीन होकर देखते हैं मेरी वीडियो को। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कमेंट कर दिया करें और साथ साथ लाइक भी कर लिया करें और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती मेरी वीडियोज़ को देखें, लेकिन जो वीडियो आपको अच्छी लगें भले टाइटल से ही सही, तो उनको ज़रूर देखा करें एक दफ़ा क्लिक करके कि अंदर है क्या। तो और मुझे बताएं कि मैं अपने काम को कैसे बेहतर करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने काम में बेहतरी ला सकूं, और इंशाल्लाह मैं कुछ सोच भी रहा हूं कुछ नया करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ही सारी चीज़ें और सारी चेंजेज़ आपको नज़र आएंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा अगली बार, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अगली बार फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।